आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बस कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर तो लोगों को काफी पसंद आया था, लेकिन टीजर से लेकर फिल्म के प्रमोशंस तक एक चीज है जिसने लोगों का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये कुछ और नहीं बल्कि आलिया भट्ट की शिफॉन साड़ी है। 1 मिनट 19 सेकंड के टीजर में आलिया भट्ट एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों साड़ी पहने नजर आईं। इतना ही नहीं, आलिया ने फिल्म के प्रमोशंस के दौरान भी साड़ी फ्लॉन्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन वीडियोस को देखकर इतना साफ पता चलता है कि आलिया जितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है उतनी ही खूबसूरती से वो अपने आप को कैरी करना भी जानती है। वहीं अगर टीजर की बात करें तो आलिया भट्ट लगभग 1 मिनट के टीजर में 20 अलग अलग तरह की साड़ियों में नजर आई। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की साड़ी लुक्स की चर्चा हर तरफ हो रही है। आलिया कभी ब्लैक तो कभी मल्टी कलर साड़ी में नजर आती हैं। खुली वादियों से लेकर पहाड़ों की बर्फ के बीच एक्ट्रेस को साड़ी फ्लॉन्ट करते हुए दिखाया गया है। एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप और बिना किसी ज्वेलरी के इस लुक को कंप्लीट किया। खुले बालों में आलिया की हर अदा कमाल की लग रही है। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन में भी आलिया कई तरह की साड़ियों में दिखी हैं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आलिया के इन लुक्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे करण जौहर शिफॉन साड़ियों को वापस ट्रेंड में लाना चाहते हैं। वहीं करण जौहर की बीती फिल्मों की बात करें तो शिफॉन साड़ियों वाले ट्रेंड को कई फिल्मों में दिखाया गया है। कुछ कुछ होता है फिल्म के सेकंड पार्ट में काजोल का शिफॉन साड़ी वाला लुक दिखाया गया, तो वहीं कभी खुशी कभी गम में भी काजोल का शिफॉन साड़ी लुक खूब वायरल हुआ। हालांकि उस वक्त शिफॉन साड़ी वाला लुक इतना ज्यादा फिल्म के आने के बाद से पॉपुलर हो गया था कि महिलाओं के बीच शिफॉन साड़ियों का क्रेज बढ़ गया। तो देखते हैं इस बार आलिया के ये लुक शिफॉन ट्रेंड को वापस लाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं।